अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन इंतहाई अफसोसनाक किस्म की खबर के साथ हाज़िर हुए हैं। फिल्म जॉयलैंड जो कि बदनामी ज़माना फिल्म है, जिसके अंदर होमोसेक्चुअलिटी के हवाले से जो है वो काफ़ी मवाद था और इसको बैन कर दिया गया था पाकिस्तान के अंदर। अनफॉर्चुनेटली उसको जो है वो अनबैन कर दिया गया है। पिछले दिनों में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानब से जो है वो कमेटी तश्कील दी गई थी, जो कि स्पेशली जो है पी एम पंजाब यानी कि शहबाज शरीफ साहब की जानब से जो है ना कमेटी तश्कील दी गई थी, जिसके अंदर डिफरेंट मिनिस्टर्स वगैरह थे, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एंड डिफरेंट मिनिस्टर्स वगैरह थे जो कि जो है वो इस चेयरपर्सन थे इस कमेटी के, और इसकी जो है ना वो तमाम तरह सूरत हाल वगैरह को नोट आउट कर रहे थे। लेकिन अब जो है वो अनफॉर्चुनेटली उन्होंने जो है वो इस फिल्म को अनबैन करने का डिसीजन ले लिया है, और ये अगले 1 से 2 दिनों के अंदर जो है वो रिलीज़ कर दी जाएगी। ये इंतहाई जितना कह सकें इसकी कंडेम की जा सके इस स्टेप को, वो इंतहाई काबिल मजम्मत इकदाम है पाकिस्तान का। ये क्या इस्लामी रियासत है? आखिरकार आप पाकिस्तान को किस तरफ लेके जाना चाह रहे हैं? खुदा का नाम लें कि पाकिस्तान है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। इस कभी आप लोग जो है वो इस पाकिस्तान के अंदर जो है वो औरत मार्च के नाम पर वल्गर जो है वो औरतों को जो है आप आज़ादी दे देते हैं और उनको प्रोटेक्शन देते हैं। कभी आप जॉयलैंड और इस तरह की दीगर फिल्में जो है बना के पाकिस्तानियों के जज्बात जो है वो मजरू करते हैं, तो आपको शर्म आनी चाहिए। और मेरी तमाम पाकिस्तान में रहने वाले तमाम अफराद से गुजारिश है कि इस वीडियो के खिलाफ अपनी आवाज़ जो है वो बुलंद करें, ताकि जो है आने वाले दिनों के अंदर इससे बड़ा कोई ना कोई चीज़ हमारे सामने ला के पेश ना कर दी जाए। आखिर में मैं सबूत के तौर पर आपको सलमान सूफी साहब हैं जो कि हेड ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान स्ट्रेटजिक रिफॉर्म्स हैं, ठीक है, इनका जो है वो ट्वीट दिखा दूं जिसमें इन्होंने वजाहत की है कि वो जो है वो इस फिल्म को रिलीज़ करने जा रहे हैं। इसमें ये लिखते हैं कि दी फिल्म जॉयलैंड हैज़ बीन क्लियर्ड फॉर रिलीज़ बाय द सेंसर बोर्ड रिव्यू कमेटी फॉर्म्ड एट द डायरेक्शन ऑफ PM शहबाज शरीफ। तो ये इनका ट्वीट है, और साथ ही आगे आप देख रहे होंगे कि गरीदा फरूकी साहिबा की ट्वीट है जिसमें वो लोग कह रही हैं कि हुकूमत की तरफ से फिल्म जॉयलैंड को पाकिस्तानी नुमाइश की तरफ से इजाज़त, फिल्म के कुछ हिस्से हदफ कर दिए जाएंगे। इस बारे में देखिए प्रोग्राम जो कि इस वक्त जो है वो अपलोड हो चुका होगा, गरीदा फरूकी साहिबा का प्रोग्राम। इन तमाम सूरत हाल से मैंने आपको आगाह कर दिया। मेरी पाकिस्तान में रहने वाले तमाम शहरियों से अपील है कि इस फिल्म के खिलाफ खुदारा आवाज़ उठाएं। हम लोग आवाज़ नहीं उठाते तब ही ये लोग इतने बेबाक हो गए हैं कि इस तरीके की फिल्में जो हैं वो लोग ओपनली जो है अब सिनेमा घरों की और हमारे घरों तक की जो है वो जीनत बनेगी और शर्म आएगी। पाकिस्तानी होने के नाते, मुसलमान होने के नाते इस तरह की वीडियोज़ के खिलाफ जो है वो आप लोगों को आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, और पाकिस्तान के तमाम इदारों से गुजारिश है कि इस तरह की वल्गर चीज़ें पाकिस्तान में ना करें। खुदारा ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और ये इस्लाम के नाम पर बनाया गया। खुदारा मेरी तमाम अहदेदारान से पाकिस्तान की गुजारिश है कि इस तरह वीडियोस को फिल फॉर बैन किया जाए, और सब लोग जो है वो बैन जॉयलैंड के नाम से अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे जितनी भी हो सके आप लोग इसकी आगाही फैलाएं, और इसको #BanJoylandFilm इसके साथ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट्स वगैरह करें।